नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ अंचल में। आपके साथ मैं हूं ज्योति सागर। जनपद बुलंदशहर उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने जड़ोल गांव के पूर्व प्रधान को गोलियों से छलनी कर दिया। हमलावरों ने मृतक संजय को एक दर्जन से ज्यादा गोली मारी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि मृतक संजय पूर्व में थाना खानपुर में हिस्ट्री शीटर था। पुलिस के मुताबिक मृतक पर लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। ये घटना सोमवार रात की है जब यमुनापुरम कॉलोनी में पूर्व मंत्री हितेश कुमारी के घर के सामने स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए चार हमलावरों ने पूर्व प्रधान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए, जिसमें पूर्व प्रधान संजय की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि लॉकडाउन के दरमियान फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर पूर्व प्रधान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी समेत जनपद के तमाम अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देहात पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। सर, बुलंदशहर के पोशला के यमुनापुरम में सर गाड़ी में लगातार गोलियां मार के हत्या की गई है। सर, कौन थे, किसकी हत्या हुई है, क्या पूरा मामला? एक ग्राम जाडौल है, थाना खानपुर क्षेत्र में, वहाँ का पूर्व प्रधान है संजय, जो अपने समय का साथी अपराधी रहा है, थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध चार हत्या के, डकैती, लूट के तमाम मुकदमे, एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पूर्व में दर्ज रहे हैं। हत्या के चार प्रकरण थे। इसकी आज गोली मार करके हत्या की गई है। एक स्कॉर्पियो से चार लोग उतर के आए हैं, इसकी गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो लगा दी गई थी और उन लोगों के द्वारा हत्या की गई है। और बहुत जल्द ही हम लोग इनका नाम कर रहे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज और तरीके से हमारे पास काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो गई। सर, क्या लग रहा है, किस तरह के दिन दहाड़े में सर सरयाम सर गोली मार के सर हत्या की गई है पांच कॉलोनी में, सर कितना बड़ा सर अपराध है और सर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर गंभीर है। और चूँकि ये व्यक्ति का जो जिसकी हत्या की गई है, इसका घर यहीं से आगे 200 मीटर की दूरी पर है। ये अपने घर जा रहा था, रात का अंधेरा था और सुनसान रास्ता भी है, कॉलोनी है आउटस्कर्ट्स की। और इसमें जैसे ही आया है और सामने से स्कॉर्पियो आकर के इस गाड़ी के सामने लगी है और उनके द्वारा ये घटना। कितनी सख्त टीमें बनाई गई सर, कितनी टीमें बनाई गई सर? 6 टीमें कुल बना दी गई हैं और हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। कुछ सर सीसीटीवी फुटेज से चेक की गई उन लोगों से, कुछ ये सामने आई, कुछ निकल गई, कुछ प्रारंभिक रूप से? नहीं, हमको काफ़ी जानकारी मिली है सीसीटीवी फुटेज से, जिसे शेयर करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हम लगातार उसी के आधार पर। कितनी गोली मारी गई है सर मृतक? लगभग 10 के आसपास गोलियां हैं। हम अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ अंचल के साथ।